यू गाइस, मैं हूं छवि मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल, आज मैं कुछ नया कुक करने की कोशिश कर रही हूं। सो यू नो, आई ऑलवेज लाइक टू ईट हेल्दी और मैं कोशिश करती हूं कि जो मेरे मैक्रोज हैं, यानी कि द काउंट ऑफ माय प्रोटीन, कार्ब्स एंड एवरीथिंग जो है वो बराबर रहे, डाइट अच्छी रहे। बिकॉज वर्कआउट करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपकी डाइट जो है वो बिल्कुल खराब है। सो ऐसे केस में होता क्या है कि नॉर्मली जब हम कुछ खाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं सेम चीज़ें खा के, राइट? तो हमें अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें, नई नई रेसिपीज बनाने का मन करता है। सो टुडे आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू। इट्स अ पिज्ज़ा, बट इसमें कोई आटा नहीं है, इट्स अ फ्लावरलेस पिज्ज़ा। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। सो फॉलो द रेसिपी विद मी एंड बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो द पिज्ज़ा बेस, जो मेन चीज होती है पिज्जा की, वो बनाने वाली हूँ ब्रोकली से। आई गूगल्ड रेसिपी एंड एक्चुअली इंस्टाग्राम पे भी रील्स में ना इस तरह की हेल्दी रेसिपीज मुझे सर्व होती रहती हैं, बिकॉज यू नो आई ऑलवेज सर्च फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, बट कभी टाइम नहीं मिला ट्राई करने का, बट मन बहुत था। सो आई एम गोना ट्राई दिस टुडे विद द ब्रोकली। सबसे पहले हम ब्रोकली को थोड़ा सा स्टीम करेंगे। ब्रोकली को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है एंड अभी मुझे आइडिया नहीं है कि इससे कितने पिज्जाज बनेंगे, बट आई एम होपिंग कि 3 पिज्जाज बन जाएंगे। अब मैं इसको स्टीम करूंगी, सो आई एम जस्ट गोना ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर और आई एम गोना पुट इट ऑन द गैस। जब तक ब्रोकली स्टीम होगी, आई एम प्रिपेयरिंग द अदर इन्ग्रीडियंट्स दैट आई नीड फॉर द पिज्जा। एक तो मुझे पिज्जा बेस में जो जो चीज़ें डालनी है वो, और दूसरा टॉपिंग्स के लिए जो जो चीज़ें रेडी करनी है वो। सबसे पहले आई एम गोइंग टू रेडी द चिकन, बिकॉज उसको मैं थोड़ा सा पैन में फ्राई करना चाहती हूँ। ये जो रेसिपी एक्चुअली मैंने देखी है, इट्स नॉट अ वेरी डिटेल्ड रेसिपी एंड आई लाइक माई रेसिपीज टू बी लाइक दैट, बिकॉज अगर एकदम कितना अंडा डालना है, कितनी ब्रोकली डालनी है, कितना नमक डालना है, ये सब चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट आपको, मतलब एटलीस्ट फॉर मी इट्स लाइक दैट, पता चलें तो फिर मुझे लगता है कि मेरी क्या क्रिएटिविटी रही कुकिंग करने में, एंड फॉर मी समहाउ दैट टेक्स द फन आउट ऑफ इट। तो अभी मैंने चिकन को थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला एंड देन आई पुट द चिकन इन इट। इट्स अ चिकन ब्रेस्ट जो मैंने काट के डाली है एंड आई हैव जस्ट एडेड सॉल्ट एंड पेपर और पका रही हूँ उसको थोड़ा सा, बिकॉज बिफोर आई पुट इट इन द ओवन आई डोंट वांट इट टू बी एब्सोल्युटली कच्चा। माय ब्रोकली इज स्टीम्ड एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कि उसका जितना भी पानी है वो मुझे सोक करना है। इट्स लाइक स्लाइटली डैम्प, तो पेपर टॉवल्स में मैं पानी सोक करूंगी सो दैट द बेस कैन बी थिक एंड क्रस्टी द वे वी वॉन्ट इट। Okay, so what I'm doing next is I'm adding egg to जो हमने ब्रोकली बनाई है ना। ओए, डू, डोंट ड्रॉप इट, डू चिक 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 चिक। थैंक यू। चलो आप खाना खाओ बेटा जाके अपना। Now what I'm adding is mozzarella cheese, which is your regular pizza cheese. Iski jo consistency hai, mereko thodi si geeli lag rahi hai. I don't know what to do about it, but I think I'll just add a little more cheese and see how that goes. Oh God, I must tell you that it's a bit time consuming. और जितना जल्दी हो जाएगा मैंने सोचा था उतना हो नहीं रहा है, बट मे बी बिकॉज मैं ज़्यादा बना रही हूँ, आई मीन देयर थ्री ऑफ अस ईटिंग। पिज्ज़ा का जो बेस जो मुझे बनाना है वो तो सामान रेडी है, बट आई डोंट हैव बटर पार्चमेंट पेपर, तो मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ है और थोड़ा सा डिलीवरी में टाइम लग रहा है, आई एम वेटिंग, बट मीनवाइल आई हैव प्री हीटेड द ओवन। Goody, goody boy. Pizza is taking very long. I don't know what is going to become of it. ठीक है ना, I'm not eating it ना. You're not eating it? भाई, you said you're not making for me ना. I said जितनी broccoli पूरा बनाऊंगी. मेरे को मिलेगा? हाँ.
Okay, let's check. Okay, I think I can start adding the pizza sauce and the toppings, etc. Minutes later. Okay, the pizza is ready and now is the moment of truth where I have to eat it and see what it tastes like. ये लीजिए. ये मेरा है. तुम्हारा नहीं है. टेस्ट करो पहले. Oh, see? Is it too thin? Is it nice? Injury है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ. बुढ़ापा नहीं है. फुटबॉल इंजरी. ये एक अकेला इंसान है जिसको फुटबॉल इंजरी पैर को छोड़ के सब जगह हो जाती है. पैर पे भी होती है. पैर पे भी होती है. जॉ में बॉल लग गई. जॉ खिल गया. पिज्जा has turned out very well. It's very tasty. एक चीज़ जो मैं एडवाइस करूँगी वो ये कि मेरा पिज्ज़ा बेस जो था वो बहुत ज़्यादा मैंने पतला कर दिया, थिंकिंग दैट इट शुड बी क्रिस्पी, बट आई थिंक इट कैन बी अ लिटिल थिकर. अदर देन दैट इज अमेजिंग. और फॉर ऑल दोस पीपल हु वांट टू नो द रेशो, मैंने दो बड़े बड़े ब्रोकलीज लिए हैं और तीन अंडे डाले हैं उसमें. 150 ग्राम्स ऑफ चीज़ आर यूज्ड इन द बेस. बाकी टॉपिंग्स आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हो. मैं लीजिए वन ट्राई. पिज्जा जो था खाने में बहुत ही अच्छा था, बट आई थिंक टू गेट द कंसिस्टेंसी ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं, बट आई थिंक टू गेट द कंसिस्टेंसी ऑफ द बेस राइट, दो तीन हिट एंड ट्रायल्स लगेंगे, हिट्स एंड ट्रायल्स लगेंगे और उसके बाद अच्छा बनेगा, है ना? व्हाट डू यू थिंक? गलत बोला मैंने. हिट आप लोग बताओ आपको कैसा लगा, कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट्स में. एंड आई थिंक इन ऑल फेयरनेस आई कैन टेक द क्रेडिट फॉर द रेसिपी बिकॉज जो रेसिपी मैंने फॉलो की उसमें कुछ नहीं लिखा था, तो ये जो भी बनाया मैंने खुद ही बनाया. आप मेरे को बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ ट्राई करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीइंग ओन विद चबी. दिस इज अस साइनिंग आउट. लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू. कमेंट छोड़ो.